अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं नए अपडेट के बाद, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो चलो भाई डिलीट करते हैं। उसके लिए जस्ट यहाँ से हम फेसबुक ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और ये मैंने बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट बनाया हुआ है फेसबुक का, ताकि मैं आपको डिलीट करके बता सकूं, क्योंकि भाई पर्सनल प्रोफाइल तो कौन क्यों ही डिलीट करेगा। और यहाँ पे मैंने ओल्ड फोटोज वगैरह डाले हुए हैं ताकि भाई थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी लगे। अभी मैं ऐसा नहीं दिखता, मेरे बाल बाल रंगीन नहीं है, ये पहले के फोटो हैं, 3-4 साल पहले के, जब मैं थोड़ा सा टिकटॉक भी बनाया करता था। बाकी आप टिकटॉक यूज करते थे नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ यार, मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो, क्या रीजन है भाई। कमेंट याद से कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। और इतने मस्त मस्त कॉमेंट करो, इतनी मस्त मस्त स्टोरीज कॉमेंट करो, ताकि कोई और भी कॉमेंट पढ़े तो उसको मजा आ जाए, ठीक है। तो आप प्रोसेस यहाँ से ध्यान से देखना। देखो जैसे ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोफाइल ओपन करते हैं इस तरीके का, मैंने जैसे आपको बताया फ्रेश अकाउंट है। इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में आना होगा, देन आपको इस तरीके से यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग एंड प्रिवेसी का, दूसरे नंबर का, इस तरीके से इसको ओपन कर लेना इस तरीके से। अब यहां पे आपके पास सेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे दो, एक तो ऊपर ये वाला सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां से डायरेक्ट आप जा सकते हो या फिर आप यहां से भी जा सकते हो, मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, सेटिंग में आ जाना है। लेकिन अब आप यहां पे देखोगे सारी की सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि फेसबुक ने सारी की सारी चीजें चेंज कर दी जब से वो मेटा हुआ है। बट डोंट वरी यार, यहां पे हम बहुत आसान तरीका सीखेंगे जिसके जरिए आप चुटकियों में डिलीट कर सकोगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा, याद से लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं, सी मोर इन्फो अकाउंट सेंटर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना फर्स्ट पे, इस पे हमें क्लिक कर देना इस तरीके से। अब इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप बहुत इजीली फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरी किसी और फोन में चला लो और मेरे साथ-साथ ये स्टेप्स करते जाओ, बहुत इजीली डिलीट कर पाओगे विद इन अ सेकंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, देन हमें यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो पहला ऑप्शन है मेमोरलाइजेशन, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनकी आईडी चल रही है, तो आप इस वाले ऑप्शन में जाके उसको मेमोरलाइजेशन कर दोगे तो वो आईडी तो रहेगी लेकिन उनकी आईडी पे मेमोरलाइजेशन दिखाई देगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे आपने कई आईडीज भी देखी होंगी जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी आईडी अभी भी चल रही है, कोई और चला रहा है लेकिन उसमें मेमोरलाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पहला ऑप्शन तो आप समझ गए, लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, बट मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद हो सकता है यहाँ पे आपके मल्टीपल आईडीज आ रही हो, अगर आपने अपने फोन में मल्टीपल फेसबुक अकाउंट लॉगिन किए होंगे तो मल्टीपल आ रहे होंगे। अब आपको जो भी फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अब ये दोनों ऑप्शन हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग यहीं पे कंफ्यूज होकर गलत तरीके से फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, फिर उनका अकाउंट कुछ दिन बाद फिर से दिखने लग जाता है। लेकिन यहां पे आपको सारी चीजें समझना जरूरी है। पहला ऑप्शन है डीएक्टिवेट अकाउंट का। अब काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि डीएक्टिवेट का मतलब होता है डिलीटेशन, यानी कि हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ये टेंपरेरी डीएक्टिवेट करने के लिए। यहां पे आप देखो योर अकाउंट मेन प्रोफाइल विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन योर नेम एंड फोटो विल बी रिमूव फ्रॉम मोस्ट थिंग्स यू हैव शेयर, यू विल बी एबल टू कंटिन्यू यूजिंग मैसेंजर, यानी आप मैसेंजर यूज कर सकते हो बट ये टेंपरेरी डीएक्टिवेट के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना है फेसबुक से, अभी चाह रहे हैं कि यार भाई मेरी प्रोफाइल लोगों को ना दिखे लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से लॉगिन करूं तो सारी मेरी फोटोज वीडियोस मेरी सारी चीजें एज इट इज वापस आ जाए, लेकिन कुछ दिन के लिए मैं गायब रह सकूं, तो आप डीएक्टिवेट का यूज कर सकते हो। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, तो हमें सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब यहां पे आपको रीजन बताना होगा कि आप अपनी फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि फेसबुक आपसे जानना चाहता है कि क्यों हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हो। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल या कुछ भी एनीथिंग एल्स, जो आपको सही लगता है आप सिलेक्ट करो, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देन यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बाकी कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप जैसे ही फेसबुक अकाउंट डिलीट करने जाएंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है कि जब आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करोगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी फोटोज वीडियो है, वो सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। याद रहे अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट पेज है तो उस पर एडमिन किसी और को बना दो, ताकि आपका फेसबुक पेज डिलीट
डिलीट ना हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन क्या ना, ये मेरी फ्रेश आईडी है तो इस पर कोई भी पेज नहीं है, इसलिए सजेशन में नहीं आ रहा। अगर मेरी पुरानी आईडी होती जिस पर मैंने पेज बनाया होता तो वो चीज भी यहाँ पे सजेस्ट करता। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपके सारे फोटोज वीडियो एवरीथिंग डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, देन उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे डाउनलोड की जाती है तो कमेंट सेक्शन में डाउनलोड इन्फो लिख देना, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, जो है फेसबुक पासवर्ड। अगर आपको अपना फेसबुक पासवर्ड नहीं पता तो कैसे पता कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप फॉरगेट पासवर्ड में नीचे क्लिक करके पता कर सकते हो, तो आपके फोन पे एक लिंक जाएगा या फिर आपके जीमेल पे एक लिंक जाएगा, उसके जरिए आप फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास सेकंड वे, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको अपनी फोन की सेटिंग में जाना है इस तरीके से, एंड उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करना है, गूगल वाले ऑप्शन में आ जाना है ना, देन आपको ऑटोफिल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऑटोफिल के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ऑटोफिल विद गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर, इस पे हमें क्लिक कर देना, इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ढेर सारे हो सकता अकाउंट्स देखने को आ रहे हो, तो जस्ट आपको यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेना है, फेसबुक, एंड इस तरीके से इसको ओपन करना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैं लगा देता हूँ, मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, एंड यहाँ से आप अपना पासवर्ड कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हो तो आँख वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड यहाँ से दिख जाएगा। अब हम लोग सिंपली फेसबुक पे आ जाते हैं इस तरीके से और यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अगर आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, आप आगे प्रोसेस में जा ही नहीं पाओगे। जस्ट आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, मेरा फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू, थैंक्स कुछ भी लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।